नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी आपके कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट करते होंगे, मींस आपके मोबाइल के थ्रू आप कंप्यूटर में नेट चलाते होंगे, हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करते होंगे और आपका ज्यादा नेट खर्च होता होगा, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर में मोबाइल से नेट कनेक्ट करते होंगे और उसके बाद आप देखते होंगे कि आपने गूगल में कुछ सर्च करा और अगर कुछ भी सर्च करने पर, जैसे आपने गूगल में कोई भी चीज सर्च करी और कुछ भी थोड़ी देर आधा पौन घंटा नेट चलाने के बाद आप देखते होंगे कि आपका बहुत ज्यादा नेट खर्च होता है। तो जनरली उसमें होता क्या है कि गूगल में जैसे ही आप कंप्यूटर में नेट ऑन करते हो आपके मोबाइल से, तो उसको जो अदर एक्टिविटीज होती है वो भी ऑन हो जाती है जो कि नेट से चलती है, तो कंप्यूटर अपने आप अपडेट या फिर और जो अदर एक्टिविटीज है वो ऑन हो जाती है। आप चाहते हो इस समस्या को दूर करना, आप चाहते हो मैं जितना नेट यूज करूं उतना ही यूज हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं उसको। ये कंप्यूटर के अंदर फीचर आता है, जैसे आप इसको ऑन कर देंगे उसके बाद आप जो भी चीज चलाएंगे सिर्फ उतना ही नेट खर्च होगा, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में कोई भी नेट खर्च नहीं होगा। तो उसके लिए हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको बताने वाला था कि मीटर कनेक्शन को आप कैसे ऑन करेंगे आपके लैपटॉप में ताकि आपका कम नेट खर्च हो। तो होता क्या है कि अगर हम लैपटॉप में हमारा नेट कनेक्ट करते हैं तो अगर हम थोड़ी देर उसको नेट को चलाते हैं तो बहुत ज्यादा नेट खर्च होता है। तो ये प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग्स पर, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप्स को फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद आप सेट इस तरीके का आपका पेज खुल जाएगा। इस तरीके का पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क इंटरनेट का। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक वाईफाई का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाईफाई के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं आप इस वाईफाई के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है मैनेज नॉन नेटवर्क्स। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको करना क्या है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के जो जो वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा होगा उनके नाम आ रहे हैं। अब मीटर कनेक्शन जनरली होता ये है कि आपने जिस तरीके का वाईफाई, मतलब जिस हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करते हैं उस हॉटस्पॉट पे लगा सकते हैं। मतलब जैसे जनरली मैं कनेक्ट करता हूँ रेडमी नोट 9 प्रो से, तो मैं इसके ऊपर मीटर कनेक्शन लगा दूंगा तो जब भी मैं इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करूंगा तो होगा क्या कि जो मेरा ज्यादा नेट खर्च नहीं होगा, जितना मैं यूज कर रहा हूँ उतना ही होगा, बैकग्राउंड का जो नेट खर्च हो रहा था वो खर्च नहीं होगा। कैसे यूज करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जिस भी हॉटस्पॉट के ऊपर आपको लगाना है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर आपको जाना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा आ रहा है इफ यू हैव अ लिमिटेड डाटा प्लान एंड वांट मोर कंट्रोल अवर डाटा यूजेज मेक दिस कनेक्शन अ मीटर नेटवर्क, सम ऐप माइट वर्क डिफरेंटली टू रिड्यूस डाटा यूजेज व्हेन यू आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। मींस अगर आप इस नेटवर्क से, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तो ये जो कुछ बैकग्राउंड के जो एप्स होते हैं वो अपडेट होना या फिर उनकी जो प्रोसेस होती है वो चालू हो जाती है। तो जैसे ही हम देखो सेट एज मीटर कनेक्शन ऑफ, इसको हम ऑन कर देंगे तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा, जो आप नेट यूज कर रहे हैं सिर्फ वही यूज होगा। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद आपके ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।